जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हमारी यात्रा होने वाली है कि 05017 गोरखपुर लोकमान्य तिलक काशी एक्सप्रेस में, और हम इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैंगे जबलपुर से मैयर के बीच में। जी हाँ, एक छोटी सी जर्नी है कि दोस्तों आप लोगों के लिए लाया हूँ मैंने, और कोरोना काल के बाद अब ये मेरी पहली जर्नी होने वाली है। तो सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा कि भाई कैसी चल रही है हमारी रेलवे, क्या चीज़ें चेंज हुई है हमारी ट्रेनों में, और काफ़ी सारे चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ मैं। एक छोटी जर्नी है एक नाइट जर्नी है। अब पहले बता दूं आप लोगों को, ये ट्रेन रात में करीब हमारे स्टेशन पर 1 बजे करीब आएगी, और वह हमें रात के 3 बजे करीब हमें मैयर पहुंचा देगी। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आज की जर्नी, और आपको थोड़ी सी भी जर्नी पसंद आएगी तो फिर इस वीडियो पर लाइक कर सकते होगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी जर्नी। तो दोस्तों करीब 12:40 के बाद हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो हो चुका है, और हम नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है शिवगढ़। तो आपको डिटेल हम बताते रहेंगे आगे। तो बाय बाय, देखते हैं हम जबलपुर स्टेशन से डिपार्चर। बाय बाय जबलपुर, कल मिलेंगे आपसे। क्या चीज पड़ेगा ना, वही तो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है जबलपुर स्टेशन का फेमस यार्ड, जहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ट्रेनें पढ़ना टिकट की जाती है जी। तो ढंग से बोलने को नहीं पा रहा है का। और सामने भी एक ट्रेन खड़ी है जी, कौन सी, जबलपुर रीवा। आप देख सकते हो वो रेडी होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सुबह कल सुबह निकले वहाँ निकलेगी भाई। तो इसी ट्रेन से यहाँ तक हम वापस लौट सकते हैं कल। तो टाटा वाला करो जबलपुर स्टेशन को। बहुत कुछ दिख रहा है ना,
हम स्केप कर रहे हैंगे देवरी स्टेशन को बहुत ही स्लो रफ्तार में, आप देख सकते हो। अगर आप लोग ने यहाँ की डे जर्नी देखी होगी ना, डे वीडियो बनाया हूँ मैंने, वो आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके चेक कर सकते हो आप लोग। जिस यहाँ के डे वीडियो मैंने बनाया हूँ भाई, दिन में ये स्टेशन कैसा दिखता है और एक अच्छा एक नंबर का व्यू दिखता है यहाँ पे। और इसी में थोड़ी बाद दूसरी तरफ भी एक फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी, फिर कुछ फैक्ट्री, तो वो आपको भी आपको भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। तो दोस्तों 5 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है चल चुकी है यहाँ से, पास कर सकती है। और आपको वो रेल कोच फैक्ट्री भी आपको दिखाऊंगा यहाँ से, देख लो। और ये है देरी से तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम सिंगोरा रेलवे स्टेशन पे, और अभी टाइम हो रहा है करीब 1:15। और दादा हम थोड़ी दूर आ गए हैं, देख लीजिए स्टेशन आगे छूट चुका है वो मेन स्टेशन। और दादा कुछ चीज़ें आपको दिखाने कर लेनी है, अब सीधा आने वाला है कटनी, तो कटनी पे हम आपको दिखाएंगे अराइवल और बाकी सब चीज़ें। तो मैं जा सकते हैं सिंगोरा स्टेशन से डिपार्चर, ठीक है। तो दोस्तों करीब 1:20 के बाद हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सिंगोरा रेलवे स्टेशन से, ये आप देख सकते हो बोर्ड। और अब सीधा आने वाला है कटनी में अराइवल। तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में, और थोड़ी बहुत भी अगर आप लोग पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हो वीडियो पर, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं सीधा आपसे कटनी में। अभी तो कुछ ओवरटेक भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी आपको दिखाऊँगा मैं, तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में।
दोस्तों एक छोटा सा स्टेशन आ जाएगा और समझ ही बैठ रहा कौन सा स्टेशन है का। अच्छा कटनी साउथ आ चुका है गाइस, तो कटनी साउथ आ चुका है और अराइवल होने वाला है हमारा कटनी में। धीरे सब लोग जाता है हमारा कटनी साउथ। चलिए आपको सब दिया गया कैमरे से दिखाएंगे कटनी का भी। तो दोस्तों वीडियो का लेंथ लंबी होने के कारण हम इस पार्ट को यहीं पर एंड कर रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कि हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, और जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलने वाला है जहां पर हम यात्रा करेंगे कटनी से लेकर मैयर के बीच में। तो वो पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी है IndianRail200Fan। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, इंस्टा आईडी है IndianRail200Fan। और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन को भी ऑल में करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। और ख्याल रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।